महेंद्र सिंह धोनी ने आखिरकार अगले सीजन में खेलेंगे या नहीं, इस सस्पेंस पर पूर्ण विराम लगा दिया है। चेन्नई सुपर किंग्स के विकेटकीपर बल्लेबाज एमएस धोनी आईपीएल के 18वें सीजन में वापसी करेंगे। आईपीएल 2024 के बाद से फैंस के बीच व्यापक चर्चाएं थी कि क्या एमएस धोनी एक और सीजन के लिए खेलने के लिए वापसी करेंगे या नहीं। अब सीएसके ने ट्रस्टी को रिटेंशन लिस्ट जारी कर फैंस को दिवाली पर तोहफा दे दिया है, खास करके चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस को। एमएस धोनी की वापसी अनकैप्ड खिलाड़ी नियम के तहत हुई है, जिसे आईपीएल संचालन परिषद ने आगामी सीजन के लिए फिर से लागू किया है। 2021 में ये नियम खत्म कर दिए गए थे, हालांकि बीसीसीआई ने उसे इस साल फिर से लागू किया है। अगर कोई भारतीय कैप्ड खिलाड़ी संबंधित सीजन के आयोजन से पहले के पिछले 5 कैलेंडर सालों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट यानी टेस्ट मैच, वनडे, टी20, इंटरनेशनल्स में शुरुआती एकदश में नहीं खेला है या उसके पास बीसीसीआई के साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो वो अनकैप्ड हो जाएगा। ये नियम सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों के लिए लागू किया गया है। नियम में बदलाव का मतलब था कि चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने आखिरी बार वो 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम के लिए खेला था, अब आईपीएल 2025 के लिए अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर नजर आने वाले हैं। एमएस धोनी टूर्नामेंट की शुरुआत से ही येलो आर्मी के लिए खेल रहे हैं और उन्होंने साल 2010, साल 2011, 18, 21 और 23 में रिकॉर्ड 5 आईपीएल खिताब दिलाने में मदद भी की है। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2025 के लिए 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। एमएस धोनी को 4 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया। वहीं सीएसके ने रविंद्र जडेजा और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को सबसे ज्यादा 18-18 करोड़ रुपए में रिटेन किया है। वहीं मतीशा पथिराना को 13 करोड़ और शिवम दुबे को 12 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया है। चेन्नई ने 3-4 कैप्ड और 1 अनकैप्ड खिलाड़ी को रिटेन किया। अब वो ऑक्शन में किसी एक कैप खिलाड़ी को राइट टू मैच कार्ड यानी आरटीएम से चुन सकते हैं। सीएसके की टीम मेघर ऑक्शन में 55 करोड़ रुपए के पर्स के साथ उतरेगी। एमएस धोनी ने जुलाई 2019 से भारत के लिए कोई क्रिकेट नहीं खेला है और अगस्त 2020 में संन्यास ले लिया था। हालांकि एमएस धोनी सुपर किंग्स के लिए खेलते रहे हैं। इस बीच फैंस ने धोनी का खुले हाथों से स्वागत किया है, क्योंकि सीएसके का ये दिग्गज खिलाड़ी आईपीएल में अपना 18वां सीजन खेलेगा। 2016 और 2017 को छोड़कर वो हमेशा सीएसके के लिए खेले हैं। 2016 और 2017 में सीएसके पर बैन लगा था और तब वो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए खेले थे। फैंस ने सीएसके के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, एमएस धोनी को रिटेन किया गया है, वो आईपीएल 2025 में होंगे, क्या खिलाड़ी और इंसान है धोनी, खेलने के लिए गजब का संपन्न। दूसरे फैन ने लिखा, लेजेंडरी। धोनी ने हीरो होने के मायने को फिर से परिभाषित किया है। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी।